अब तेरी तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बोलते हैं ना कि मेरी आवाज ही पहचान है, तो अभी तक जिन जो लोग जानते हैं वो पहचान गए होंगे कि ये है सनम बैंड। और मैं आपका तारुफ फिर भी करवा देती हूँ, ये है समरपुरी, सनमपुरी, केशव और वेंकी। तो जो मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूंगी के इनकी जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, क्योंकि एक यूट्यूब स्टार थे और अब ये फिल्मों में भी परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे लाइव शोज भी करते हैं, तो सनम ये आपकी पूरी जर्नी क्या है, मतलब कैसे आपने बैंड स्टार्ट किया? ये बैंड एक्चुअली आपको बताओ शॉर्ट में, चलो मैं पूरा अच्छे से बताता हूं। अच्छे से आपको फास्ट वाला जानना है, स्लो वाला जानना है? बहुत आराम से, बहुत अच्छे वाला जानना है। ठीक है, फिर हम मिलके बताएंगे। लेकिन आई थिंक ये शुरू कैसे हुआ था, वेंकी, समर और मैं, हम पहले मस्कत में थे और वहाँ पे हमारा पहला बैंड था। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम दिल्ली आ गए, वेंकी बैंगलोर आ गया। और तब जब वेंकी बैंगलोर में था उस टाइम केशव चेन्नई में था, इनका बैंड था ये, वेंकी ट्रैवल करता था चेन्नई बैंगलोर, इनका जो बैंड का सिस्टम था। उसके बाद हम लोग बॉम्बे मूव हो गए और फिर केशव भी बॉम्बे मूव हुआ। और उसके वो हम ड्रमर ढूंढ रहे थे उस टाइम, तो वेंकी ने बोला एक ड्रमर है जो मैं जानता हूँ जो बॉम्बे में है। तो वेंकी ने हमें कनेक्ट कराया और उसके बाद हमने कंपटीशन में भाग लिया। कंपटीशन में भाग लेने के बाद हमें लगा हमें एक बेसिस की ज़रूरत है, तो हमने बोला वेंकी कैन यू कम ऑल द वे, हमें फिर बोला कि वेंकी आप बैंगलोर से आ जाओ। तो देन वेंकी बैंगलोर से आया और उसके बाद मेरे को अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, ओके। तो उसके बाद वेंकी आया बॉम्बे, हमने कंपटीशन में पार्ट लिया, हम वो कंपटीशन जीते जो टाइम्स म्यूजिक का था। और उसके बाद हमारा ये बैंड बन गया। उसके सुपरस्टार से, मतलब सुपरस्टार उसका नाम था आई थिंक कंपटीशन का, सुपरस्टार विद द स्टाइल, या सुपर। तो फिर उसके बाद ही पूरा यूट्यूब पे पूरा आपका बैंड जो पूरा चला है और किस तरीके से पूरा फेम जो आप लोगों को मिला, वो जर्नी कैसे रही? वो जर्नी देखो, हमने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था कि हमें ऐसा होना चाहिए हमारे साथ या कुछ, वो नेचुरली जो था तो उतना हो तो होता ही है कि, बट हमारा एक पर्पज़ था कि हमें नाम इसलिए करना है ताकि हम कुछ चीज़ें कर पाए। हमारा पर्पज़ था, जैसे कि अभी हम एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है जस्टिस एंड होप। तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, और ये उसके बारे में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में हम उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। और सो दिस इज टू सपोर्ट द एनजीओ एंड देयर आर, हमारा ये पर्पस है बेसिकली। तो सो बीबीसी हिंदी दे नाल नाल बीबीसी पंजाबी ते भी असी अज जुड़े होए हां, एंड सनम मैन जुड़े व्यूअर साडे नाल फिलहाल जुड़े ने। सनम मैन चार मुंडिया दा बैंड है जिहड़े यूट्यूब ते बहुत पॉपुलर ने, बहुत पसंद करदे ने, पंजाबी गाने भी गांदे ने। अज पंजाबी गाने भी इहनां तों सुणांगे, बट फिलहाल इहनां दी जर्नी दी गल हो रही सी। सो ए जिहड़े जनाब ने लीड वोकलिस्ट, सो तुहाडे सॉन्ग्स मैं वेखे एंड सारे ओल्डीज नू रीमिक्स करन दा जिहड़ा आइडिया सी, ए कित्थों आया सी, बेसिक कॉन्सेप्ट किदा सी? मैं पंजाबी च बताऊं, मेरी पंजाबी नहीं चंगी नहीं हैगी, पर तुसी पंजाबी हो, मैं पंजाबी हैगा ना, और पर मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, तो आपको जर्नी जाननी, हमने कैसे स्टार्ट किया, आइडिया किसका था, रेट्रो पुराने गाने करने का,
पुराने गाने जो हमने शुरू किए थे, ये आइडिया तो हमारा मिलके ही हुआ था, और इसमें हमारे फिफ्थ मेंबर जो है बैंड के, बेन थॉमस, जो हमारे मैनेजर भी है, जो आपके पीछे बैठे वहाँ पे, तो हम सब ने मिलके डिसीजन लिया था, क्योंकि हमने पहला जो गाना रिलीज किया था हमने, पुराना था लग जा गले, तो हमने तब सोचा नहीं था कि हम ये कंटिन्यू करेंगे पुराने गाने करना, तो उस टाइम हमें काफी डर लग रहा था, तो हमें लगा था कि लोग क्या बोलेंगे कि हमें ऐसे गाने नहीं छूने चाहिए, पुराने गाने इतने सेंसिटिव सॉन्ग्स हैं और बहुत वेल कंपोज्ड हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं इन गानों के, तो हमने फिर किसी तरह वो रिलीज करा अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते थे, हमें रिस्पॉन्स फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छा है, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमें लगा कि हाँ हम ये अभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोगों तक और पुराने गाने पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें लगा ये आज की जनरेशन जो है उन्होंने सुने नहीं है पुराने गाने, उसकी वजह से हमने सोचा कि ये करते हैं फिर। तो फिर एक पुराना गाना होना चाहिए ना, अभी एक पुराना गाना सुना दीजिए, बिकॉज अभी पंजाबी फिलहाल पंजाबी भाई पंजाबी वाले ठीक है पंजाबी हो जाए पंजाबी सॉन्ग ओके पंजाबी जिसने लिखा है हमारे दोस्त सिद्धांत कौशल ने, और गाने के बोल ऐसे हैं कि गर्मी दी तू तो उसमें इतना गाने का नाम है गर्मी दी तू, लेकिन हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तदो ही कितना सी तो ये गाने का नाम है गर्मी दी तू छावा वर्गी गर्मी दी तू, मतलब आप समझ गए ना ठीक है, तो थोड़ा आप समझा भी सकते हो इसका क्या समझे आप, अब आपका इंटरव्यू लाइक गर्मी लाइक तुसी किसे कुड़ी नू गर्मी नाल कंपेयर कर रहे हो? नहीं पहली लाइन मतलब समझा रही थी मैं, दूसरी लाइन तो फिलहाल में आना थी, बट आई डोंट यू ट्राई एक्सप्लेनिंग टू आवर ऑडियंस ना, तो गर्मी गाना गाते हैं बेसिकली, गर्मी में जो मेरे साथ जो लड़की है वो एक छाए की तरह है, तो उसमें एक सुकून मिलता है उसके साथ, ये उसके बारे में, चलो लेट्स सिंग। गर्मी दी तू वंस अगेन सॉरी जस्ट दैट गिव मी एन ऑफ पिच गर्मी दी तू छावा वर्गी गर्मी दी तू छावा वर्गी गर्मी दी तू, जिंदगी मेरी जिंदगी नासी जल्दे सीने नू दे गई सुकू, गर्मी दी तू छावा पूरी तू कर गई मेरी दुआ बनू, मिल गई है वजह मेरी आसानू पूरी तू कर गई मेरी दुआ बनू। थैंक यू भाई, वाह वाह इतनी पंजाबी सीखी थी उन्होंने भाई, हो गया पूरी हो गया पूरी समर पूरी समर पूरी। अरे बाप रे ओके तो समर आप दोनों भाई हैं राइट? हम भाई हैं। तो आप लोग आपस में मतलब कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया है पूरा म्यूजिक बजाना सीखना कब से? एक्चुअली बचपन से, मुझे एक्चुअली एज भी याद नहीं है, हम काफी छोटे थे, मे बी 4-5 साल के, तब से हमें काफी शौक, एक्चुअली मम्मी की वजह से शौक पैदा हुआ ये, तो मम्मी की हाँ, तो पहले हमने कीबोर्ड क्लासेस से स्टार्ट किया और उसके बाद आपकी मम्मी गाती हैं या वो हमारे पापा गाते हैं? अच्छा ओके, मम्मी तो बिल्कुल नहीं गा सकती हाँ लेकिन इतना सपोर्ट मिला हमें पेरेंट्स से, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट हाँ आज हम म्यूजिक कर पा रहे हैं। और ऐसा सबसे पहला गाना मतलब कोई ऐसा गाना जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जैसे मुझे एक गाना गाने ने बहुत इंस्पायर किया कि मैं इस गाने की वजह से मैं गिटार सीखने वाली हूँ राइट, तो आप लोगों को कोई ऐसा गाना जो याद हो और आपको इंस्पायर किया कि इस गाने की वजह से यार हमें म्यूजिक ही करना है यार? एक्चुअली
मेरे लिए क्या है कि इंस्पायर की बात अलग है, मेरे को पहले फोर्स किया गया था गाने के लिए. जैसे समर को कीबोर्ड क्लास के लिए भेजा था, मेरे को भी भेजा था, लेकिन मैं वहाँ बैठा था, मैं ऐसे कुछ हम करने लग गया था, तो टीचर को रियलाइज हुआ कि मैं गा सकता हूँ. तो फिर बताया ये गाता है, आपका बेटा गाता है. उसके बाद फिर तब मम्मी ने मेरे को सिंगिंग क्लासेस के लिए लगाया, जो मैं कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि मेरे को तब मन नहीं होता था गाने का, तो फोर्स किया. उसके बाद पहला गाना जो सिखाया मेरे को मिलकर मम्मी पापा ने, वो था जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. ओ, ओ, अभी आपका न्यू वीडियो भी रिलीज हुआ है. और वो हमने सोचा उसको अच्छे से करेंगे गाने को, तो उसी मेमोरी से किया है कि हमने, वो मेरा पहला गाना था जो मैंने सीखा था. तो अभी जो लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं हमारे फेसबुक बीबीसी हिंदी पर, वो उनमें से किस एक दर्शक ने बोला है कि आप ये गाना सुना दीजिए प्लीज, जाने वो कैसे लोग थे. अभी अभी बना के बोल रहे हैं ये. अरे मैं आपको अभी एफबी लाइव पे दिखा सकती हूँ कमेंट. देखिए आप जिस दर्शक ने लिखा है वो देख लीजिए, मैंने आपका फंसा दिया आपका पूरे मैसेज, वो कह रहे नहीं है. या ओ ओके मैन यू आर आल्सो मेकिंग इट अप. ओके ओके ठीक है. बीबीसी हिंदी बीबीसी क्रेडिबल है, झूठ नहीं बोलेगा. ओके हम फिगर आउट कर रहे हैं आपके लिए इस वर्जन को बेस्ट कैसे बनाए. तो जब तक ये लोग फिगर आउट कर रहे तब तक हम लोग बातें कर सकते हैं. सुनते सुनते भूख लगी, खाओ बच्चा मूंगफली, मूंगफली चदाना नहीं, हम तुआडे मामा नहीं. मामा गया दिल्ली, क्या दिल्ली तो लाया बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा. पंजाबी हिंदी में था, मैंने पंजाबी अभी बनाया इसको. केशव आपसे सवाल कर लेती हूँ मैं, तब तक आप आपने कब से स्टार्ट किया है म्यूजिक और आप कैसे इस ग्रुप से जुड़े हैं? मेरे को यहाँ आना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली एक इधर आना पड़ेगा. ओके मैं एक्चुअली हिंदी या एक्चुअली आप अच्छा आप इंग्लिश बोलते हैं क्या? हाँ इंग्लिश भी बोलते हैं. नहीं आपको बोल नहीं हिंदी में भी बोल सकता हूँ. मेरा भाई जो है वो एक्चुअली गिटार बजाता है. गिटार इंग्लिश वर्ड बोल दिया ना. ए तो हिंदी वर्ड क्या है गिटार का? हिंदी वर्ड बताइए, हिंदी वर्ड बताइए जरा गिटार का. तो एक्चुअली आई स्टार्टेड सीइंग हिम प्ले द गिटार और बिकॉज ऑफ दैट आई वांटेड टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट. और मैंने थोड़ा सा गिटार भी सीखा था वो टाइम पे. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, तो मैंने वायलिन सीखा उसके बाद. और वायलिन एक्चुअली इफ यू डोंट नो हाउ टू प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट इट कैन साउंड वेरी बैड. तो मैं वो टाइम पे एक हॉस्टल में था और मेरा रूम में वहाँ पे देयर वर सिक्स पीपल स्टेइंग विद मी और प्रैक्टिसिंग द वायलिन एट दैट टाइम इज लाइक रियली बैड इफ यू कैन प्ले इट. सो वो लोग दे गॉट सो इरिटेटेड विद मी, सो दे वर लाइक जस्ट स्टॉप प्लेइंग दिस स्टॉप प्लेइंग दिस. तो मैंने वो छोड़ दिया. तो उसके बाद मैं द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आई फाउंड वाज द ड्रम्स. और जब मैं चेन्नई में था उसके बाद मेरा भाई का जो बैंड था उसका जो ड्रमर था ही हैड लेफ्ट, सो आई रिप्लेस्ड हिम. और वैसे ही मैंने ड्रम्स सीखा था और आई मेट दीज गाइज थ्रू वेंकी इन बॉम्बे आफ्टर दैट एंड एवर सिंस देन वी बीन अ बैंड. तो वैसे आप लोग कितने साल से साथ में? वी बीन टुगेदर सिंस 2010. सात साल हो गए. ओके इंस्ट्रूमेंट से फिर चाकू का क्या करते हो? इंस्ट्रूमेंट इससे कुछ लगता नहीं है गिटार से. हम गेम से लड़ाई करते हैं, अगर हम गुस्से में आते हैं तो हम सोचते हैं चलो PS4 खेलते हैं. हम भी खेल लेते हैं कभी कभी. सो आर यू रेडी फॉर द सॉन्ग? लेट्स डू दिस. ज
जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। यार प्यार को प्यार मिला ना, मुझे लगा कि नहीं मिला। एक मिनट के लिए मुझे लगा कि आपने इतने प्यार से ऐसे गाया रहा पूरे मन से, मुझे लगा मिला कि नहीं नहीं। आपके नहीं 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 मजाक कर रहे हैं, बहुत सारे कि सब प्यार ही है हम सब। नहीं बट सनम जी तुम्हारे वीडियोस से कमेंट्स देखे जान, यू वेरी गुड लुकिंग, यू आर दिस, यू आर दैट, आई वांट टू मैरी यू, इस तरह के कमेंट्स आंदे ने। एंड एक कमेंट साडे ते भी आया फिलहाल कि तुसी एक्टिंग दे कोई प्लान्स ने तुम्हारे। बिल्कुल, एक्टिंग का प्लान शुरू से था, इसलिए हमने काफी म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग करा है हमने। तो हाँ, एक्टिंग का प्लान अभी तक म्यूजिक वीडियोस के लिए है। तो बट फिल्म्स बड़ा पर्दा अगर टाइम मिले तो, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। हमारे खुद के ड्रीम्स और प्लान्स इतने सारे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या इसके आगे क्या करें। हम खुद से ही बहुत कुछ करना चाहते हैं। एंड जिस तरह तुसी वीडियो शूट कर दो, बहुत लैविशली शूट कर दो, बहुत एग्जॉटिक लोकेशन से जाके वीडियो शूट कर दो, एक इज द आइडिया होता है इसके पीछे कि एक गाना है एंड इसको इस तरह शूट करना। ये सबका कलेक्टिव आइडिया है, सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बहुत ईजी है हमारे साथ, जैसे जिस तरह हम काम करते हैं कुछ मुश्किल नहीं रहता। नॉर्मली क्या एक पर्सन सजेस्ट करेगा, बोले सोचा, हम सब मिलकर सोचेंगे हाँ ये ठीक है, फिर डिसाइड। बहुत हर गाने का अलग अलग रहता है। हाँ, तो बैंकी जो प्लान की बातें कर रहे हैं, सपनों की बातें कर रहे हैं, कौन से प्लान और सपने हैं भाई आपके भी? मेरे सपने जो है बस म्यूजिक बजाना है, लोगों से मिलना है, उनसे पूछना है कि आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक से आप कैसे रिलेट करते हैं। और ऐसे ही जब हम गाने बनाते हैं देन इट मेक्स इट मोर आई थिंक इट मेक्स इट मोर लेजिटिमेट, क्योंकि हम जो गाने बनाते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में वो रिलेट कर रहे हैं और वो दे आर गोइंग टू सर्टन प्लेसेस दैट वी कैन टेक देम टू। जैसे अगर रोमांस के ऊपर एक गाना बना रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल दिस टूर जो हम कर रहे हैं अभी प्लेज टूर, वो काफ़ी सोशल इशूज़ के बारे में हम लोग जस्टिस एंड होप एक एनजीओ है जिसके साथ हम जुड़े हैं, तो उस एनजीओ में काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को वो लोग टैकल करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे लाइव शोज़ की वजह से हम लोग इन लाइव इन सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ अ चाइल्ड sex abuse that goes on in India or it's not just the girl child, it's even the guys, young children who are getting sexually abused and how Justice and Hope is helping these kids in different parts of India and they're based out of Chennai and due to different social circumstances, you know, they go through difficult times. So it's important to have people who are working in NGOs and non-profit. And for us, because we have such a big reach, it's our social responsibility to bring this forward to people. So, Venki, how many states are there? I'm Tamilian, so I'm from Tamil Nadu. So
आप लोगों ने तमिलियन सॉन्ग्स भी गाए? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे। पंजाबी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तमिलियन कैसे गाओगे? पंजाबी बोलने में, गाने में नहीं ना, गाने में नहीं प्रॉब्लम, गाने में सब आ जाता है, गाने में सब। बंगाली और स्पेनिश होता नहीं, क्या क्या गाना? हाँ मेरे को बंगाली बिल्कुल नहीं आती, हमने बंगाली गाना करा है, स्पेनिश गाना करा है, इटालियन, व्हाट अदर लैंग्वेजेस? तो और तो फिर कोई और लैंग्वेज का गाना आप सुना सकते हो? कौन सा? गुजराती, मतलब किसी भी लैंग्वेज, आप बंगाली वाला सुना दीजिए, स्पैनिश, स्पैनिश, स्पैनिश सुना दीजिए। तू मेरा बे, वी डू अ बंगाली सॉन्ग, ई राइट, ये है रविंद्र संगीत एंड लाइक दे से रविंद्र संगीत। तू मेरा बे, मेरा बे हृदय তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন নিশিথিনি সম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে। अब तो पता ही नहीं चला भाई आप कहाँ से हैं, अब तो बंगाली लग रहे थे गाते हुए। इंसान हूँ ये बहुत अच्छी, बड़ा रिवोल्यूशन, देखिए बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है रिवोल्यूशन या ओके इनसेन ओके आप लोग सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं, मतलब नए गाने या पुराने गाने? क्योंकि आपके जो पुराने कवर्स हमने सुने हैं वो बहुत ही उम्दा है, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से गाए हुए हैं, और वापस से बहुत नई जनरेशन में जैसे किशोर कुमार के गाने हैं या रफी साहब के गाने हैं, तो वो एकदम से नए लोगों को बहुत कनेक्ट करते हैं, और वो भी बात है कि आप जब लोग गा रहे हैं उसको नए तरीके से अपने थोड़ा अपने म्यूजिक डाल के, तो आप कौन सा ज्यादा इन्जॉय करते हो, पुराने गाने नए गाने? एक्चुअली पुराने गाने ऑब्वियसली हम बहुत इन्जॉय करते हैं, जैसे वो गाने बने हुए हैं इतने ब्यूटीफुली कम्पोज हैं, लिरिक्स कितने सुंदर हैं, सीखने को ऑब्वियसली काफी कुछ मिलता है, और वो जो एनर्जी है वो हम चाहते हैं कि आजकल की जनरेशन में भी पहुंचे, तो इसलिए हम मॉडर्न साउंड के साथ वो करते हैं। लेकिन आई थिंक ओरिजिनल सॉन्ग्स जो हमारे अपने ओन सॉन्ग्स हैं सबसे ज़्यादा एंजॉय हम वो करते हैं, क्योंकि वो हमारा ओन एक्सप्लोर कर पाते हैं। हाँ योर ओन बेबी बट कोई पंजाबी इन लेजेंडरी सिंगर रहे ने तुसी कदे किसी पंजाबी लेजेंड अजे तक कीता नहीं, बट करना चाहोगे तो कीता करना चाहोगे कोई सॉन्ग? ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं मन में, एक्चुअली वेंकी और अच्छे से बता पाएंगे एक्चुअली काफ़ी जब हम स्कूल में थे तो पंजाबी पॉप काफ़ी मशहूर था, सो गुरदास मान जी के गाने और वदाली ब्रदर्स, हंसराज हंस, ऐसे बहुत ही अच्छे बैंड्स थे, और जो बैंड्स पाकिस्तान में भी थे ज़्यादा पंजाबी में गाते थे, तो उनसे भी काफ़ी इंस्पायर हो चुके हैं हम लोग। सो इफ़ इट वॉज इफ़ यू हैड टू चूज टू डू बीन सम ऑफ द सिंगर और इवन दलेर मेहंदी, तो मतलब ये सारे जो आर्टिस्ट है मुझे लगता है हम इन आर्टिस्ट के सॉन्ग्स जो है उनसे इंस्पायर होके शायद कभी कोई सॉन्ग थोड़ा फेवरेट जो तुसी सोच दे हो करना या करना सी अभी एक्चुअली जुड़े व्यूअर्स करना चाहोगे
तो जो वो नहीं 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 शो पे आके देखना पड़ेगा जो भी दिल्ली में है कम फॉर द शो टुमारो एंड जो पंजाब में Come for the show tomorrow. They have a day to come. So this, yeah, it's the 23rd of December. 23rd of December. It's like just a couple of days before Christmas. Or agar aap log Delhi mein hai, to please aaiye. Saturday night, it's going to be a lot of fun. Hum log बहुत पंजाबी गाने करने वाले हैं पंजाबी गाने और जो आप YouTube में आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इसीलिए हम लाइव शोज में करते हैं क्योंकि वो लाइव शोज की जो एनर्जी रहती है पूरा अलग रहता है हम लोग ऑडियंस को नचाते हैं एंड वी ट्राई टू गेट देम टू रियली हैव अ ग्रेट सैटरडे नाइट यू नो व्हिच इज यू नो जस्ट वंस इन अ वीक द कॉन्सर्ट्स हैपनिंग एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम so kahan pe karna hai ticket yeah your tickets you can book on bookmyshow.com guys go there and book your tickets like now to abhi jo main chahti hu meri apni personal liye hai aur mujhe lagta hai ki are you coming for the show yeah show 100% ye mera sabse favorite kaam hai bas music sunna log bajate hain main sunti rahu bas theek hai to okay so जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है कोई भी नहीं मेरा फेवरेट सॉन्ग मतलब आप कोई भी पुराना गाना पुराना हिंदी सॉन्ग हमारे प्ले कर दीजिए लग जागले क्या हुआ इसको कौन सा प्ले अ कॉर्ड प्ले द कॉर्ड मेरे बाबू चलो मेरे बाबू खेलते हैं ओके या तो ये थे थैंक यू सो मच जेडी भी साडे व्यूअर सानो देख रहे सी एंड ओके एसी सनम मैन फ्रॉम द YouTube स्टार्स थैंक यू सो मच एंड बहुत-बहुत धन्यवाद थोड़ा सानो तो ये थे सनम बैंड और अगर आपको पसंद आया हो बीबीसी हिंदी का ये लाइव तो उसे लाइक करें शेयर करें और बाकी लोगों को भी सुनाएं थैंक यू जरूर करना और कल शो के लिए